जलाने के बाद फिर पटाखा भी फोड़े। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। और आज है दीपावली और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब देख सकते हैं घर में काफी ट्रेडिशन हो चुका है। चलिए पूजा होने वाला है तो पूजा आपको दिखाते हैं। और इसके बाद हमारे कॉलोनी में जितनी भी प्रतिमाएं बैठी हैं माता लक्ष्मी की, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। चलिए पूजा करते हैं पहले घर में, उसके बाद फिर आपको बाहर का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, आप देख सकती हैं मेरी मम्मी और मेरे भैया जो हैं पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर घेरंदर रखा गया और ये जो प्लेट है इसमें स्वास्तिक बनाया जाएगा। और जितना भी चीज़ें पूजा का सारा सामग्री यहाँ पे उपलब्ध हो चुका है। और देख सकते हैं हमारी जो बुन्नी है वो भी जो है पूजा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और अब दिखाते हैं आपको स्वास्तिक। ये देखिए स्वास्तिक कितना सुंदर बनाया है हमारे दीपक भैया जी ने। जी हाँ, ये सारी तैयारियां मैंने आपको दिखाई और आप देख सकते हैं हम नीचे पवनी और हम लोग अब पूजा करने वाले हैं। और पूजा के बाद दीप जलाने वाले हैं और दीप जलाने के बाद फिर पटाखा भी फोड़ेंगे और बाहर के लक्ष्मी जी का भी आपको कराएंगे दर्शन। तो बने रहिएगा साथ में, अपनी चाहे पवनी भी साथ में है। चलिए शुरू करते हैं घर का पूजा। तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी जो है अभी इन्हें जो है माता लक्ष्मी और गणेश जी को जो है दूध से स्नान करा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में अब इन्हें जो है गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगा जल से अब स्नान कराया जा रहा है माता लक्ष्मी और गणेश जी को। और भैया हमारे इधर जो है किताब पढ़ रहे हैं, पूजा मतलब शुरू हो चुका है। और अब मम्मी जो है गणेश जी को जो है और लक्ष्मी जी को जो है पोछ रही है। और इन्हें अब यहाँ पर जो टेबल लगाया गया है जहाँ पे ये लाल कपड़ा बिछाया गया यहाँ पे रखा जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। जी हाँ, अब ये जो है यहाँ पे रखा चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। अब यहाँ पर पूजा होगा और इधर घिरौंदा भी रखा गया है और सारा पूजा का काम जो है अब शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। जब हमारे राम जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तो हम लोगों ने उनका जो है दीप लगा के स्वागत किया था। और अब देखिए चुनरी ओढ़ा चुके हैं गणेश और लक्ष्मी जी को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हम लोग पूजा करते हैं। काफ़ी मतलब कि ऐसे ही हर वर्ष पूजा होता है। पहले मैं ब्लॉग नहीं करता था तो मैं आपको नहीं दिखा पाता था, लेकिन इस वर्ष मैं आपको दिखाया हूँ। तो आप देखिए और अब देखिए अब फूल को लगाया जा रहा है। जी हाँ, फूल को लगाया जा रहा है। हमारे भैया जी जो है फूल को लगा रहे हैं चारों तरफ जो ये टेबल है इसके ऊपर। और फूल लगने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ये टेबल जहाँ पे माता लक्ष्मी और स्थापित किया गया है। तो आप देख लीजिए एक बार कितना खूबसूरत कितना प्यारा लग रहा है। अब देखिए पान का पत्ता चढ़ चुका है, पान का पत्ता चढ़ चुका है। और अब दीप जला दिया गया है। दीप जलाने के बाद अब जो है अब आरती की शुरुआत होती है। चलिए तो आरती करते हैं। अब आरती शुरू हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं आरती शुरू हो चुका है। अब आरती हमारी मम्मी कर रही हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। भैया जी इधर घंटी बजा रहे हैं और हम आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं दीपावली स्पेशल, जिसे हम बोल सकते हैं इस ब्लॉग को दीपावली स्पेशल ब्लॉग बोलेंगे। अपने घर का आपको हमने पूजा दिखाया और अब चलते हैं छत पर और सारी मोमबत्तियों को जलाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे छत पर से जो है कैसा दिख रहा है दीपावली के टाइम में। तो चलिए चलते हैं सीधा छत के ऊपर। तो हम छत के ऊपर आ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने सारे मोमबत्तियों को जला दिया है और देखिए ऊपर से हमारे कॉलोनी के ऊपर से छत के ऊपर से कि कैसा दिख रहा है हमारा बुद्धा विहार कॉलोनी। जी हाँ, कितना सारे घर को लाइटों से सजाया गया है। और ये जो बगल का घर आप देख रहे हैं ये हमारे पंकज भैया जो कि एक यूट्यूबर हैं उनका घर है और काफ़ी अच्छा है। मतलब कि आप देख सकते हैं पूरा कॉलोनी कितना जगमग कर रहा है। जी हाँ, बहुत जगमग कर रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मतलब कि कह सकते हैं कि 2020 से काफ़ी
अच्छा 2021 में दीपावली मनाया गया। और ये पंकज भैया का घर है जो कि एक यूट्यूबर है, इनका भी एक चैनल है और यही हमें सिखाए थे कि आप यूट्यूब पर काम करिए, तो मैं कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा कॉलोनी का एक दृश्य। जी हाँ, छत पर से मैं आपको दिखा रहा हूँ दीपावली का धूम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे घर जो है कितना प्यारा सजा है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारा ये कॉलोनी है बुद्धा विहार कॉलोनी। तो मैंने आपको दिखाया बैक कैमरे से भी और फ्रंट कैमरे से भी कि हमारा कॉलोनी कितना प्यारा और कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए अब आपको कराते हैं माँ लक्ष्मी का दर्शन, तमाम पंडाल के पास चलेंगे और वहाँ से आपको कराएंगे माँ लक्ष्मी का दर्शन। तो चलिए चलते हैं और पहला पंडाल हमारा मिलेगा अभी झंडी पर, तो वहाँ चलेंगे और वहाँ से आपको कराएंगे माँ लक्ष्मी का दर्शन। तो झंडी पे हम लोग पहुंच चुके हैं और सामने आप पंडाल देख सकते हैं, माता लक्ष्मी को स्थापित किया गया है और बगल में शंकर जी का मंदिर है। तो चलिए आपको कराते हैं माँ लक्ष्मी का दर्शन। जी पंडाल कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी स्थापित है अपने पंडाल में। और चलिए आप लोग घर से ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लीजिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लीजिए और सुख समृद्धि की कामना करिए। और ऊपर से पंडाल का आप देखिए सजावट कितना अच्छा किया गया, बैलून जो लगाया गया है झंडी पर का आपको हमने माँ लक्ष्मी का दिखाया प्रतिमा। और अब आपको लिए चलते हैं विकास विहार कॉलोनी और वहाँ पर भी दो प्रतिमा बैठा है, तो वहाँ का आपको दिखाते हैं माँ लक्ष्मी का प्रतिमा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में। और आपको लेकर के आ चुके हैं विकास विहार कॉलोनी और सामने आप देख सकते हैं पंडाल, ये जो है पंडाल है विकास विहार कॉलोनी में मूर्ति स्थापित किया गया। तो चलिए चलते हैं पंडाल के पास और पंडाल के पास से आपको लगा देखिए गाना कितना अच्छा बन रहा है। चलिए अब आप करिए माता लक्ष्मी का दर्शन घर बैठे बैठे, जो लोग नहीं जा पाए हैं वो लोग माता लक्ष्मी का दर्शन घर बैठे बैठे करें। और पंडाल की देखिए खूबसूरती, यहाँ पर भी बैलून लगाए गए, काफ़ी अच्छा दिख रहा है पंडाल और हमारी माता रानी विराजमान है अपने पंडाल के में। और देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब कि अंदर कभी किया गया है सजावट। एक प्रतिमा हमने आपको दिखाया विकास विहार का, एक और प्रतिमा है जो आगे बैठा है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ आगे आगे। और आगे देख सकते हैं एक पंडाल आपको दिखेगा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। चलिए आपको अब दिखाते हैं पंडाल की खूबसूरती और माता रानी कराते हैं आपको दर्शन। यह फुलझड़ी पड़ाका वाह वाह, तो कर सकते हैं यहाँ पर गणेश जी भी हैं लक्ष्मी जी भी हैं। जी हाँ, दोनों को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में माता लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद आप लीजिए घर बैठे। और यही कामना करिए कि हमारे घर में हमारे संसार में हमेशा खुशहाली बने रहे। झंडी पर से लेकर कि आपको हमने विकास विहार तक का आपको हमने प्रतिमा दिखाया, यहाँ तक कि अपने घर का भी हमने आपको जो है तो घर तक का हमने आपको ब्लॉग दिखाया। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो एक लाइक करें एक सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों के ख्याल रखें और हर वर्ष ऐसे ही दीपावली का धूम और दीपावली का त्यौहार मनाते रहें। धन्यवाद।